कैसे हो मेरे बच्चों, आज मैं केवल उन्हीं को दर्शन दे सकता हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं, और जो व्यक्ति इस संदेश को सुन रहा है वह भी भाग्यशाली है क्योंकि इसे केवल वे ही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है, और यदि आप उनमें से एक हैं, तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो मेरे बच्चों। अगर आप आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हैं तो भाग्यशाली नंबर 888 टाइप करें मेरे बच्चों। आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महादेव जी को श्रद्धापूर्वक प्रसन्न करने के लिए इसे पूरा देखें और एक लाइक करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और लिखें, मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें आपके सभी कर्मों और धर्मों का फल देगा, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करो। तुम दोनों बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के बारे में विचार, आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग या कोई तीसरा व्यक्ति आपको या आपके पार्टनर को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा। मेरे बच्चों, इसीलिए एक दूसरे पर और अपने रिश्ते पर सबसे ज्यादा भरोसा करो। आपका वित्तीय पक्ष ये भी बहुत मजबूत और बहुत अच्छा होगा, इस महीने में आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मेरे बच्चे, इसका दावा करने के लिए आई लव यू महादेव जी लिखें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे मन में एक भ्रम था, इस महीने में आपको अपने करियर में बहुत शांति मिलेगी, आपको पहले की तुलना में अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इस समय जहां काम कर रहे हैं वहां की राजनीति से काफी परेशान हैं, यही कारण है कि आपका दिल आपसे कुछ और कहता है और आपका दिमाग आपसे कुछ और कहता है। आपका दिल, मेरे मन में आता है कि एक बार मैं ये सब छोड़ दूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि घर चलाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको नौकरी करनी चाहिए। इस महीने में आपके आसपास के लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे, आपके लोगों के साथ मतभेद होंगे, हर कोई करेगा। जो लोग आपको प्रतिस्पर्धी के रूप में देख रहे हैं उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें आपको नीचे लाना होगा। आपकी हार में ही उनकी सफलता छिपी होती है, लेकिन इस महीने में आपके शत्रुओं की ऊर्जा मजबूत होने से नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी हो जाएगी। आप भी ऐसा ही प्रयास करेंगे, दैवीय शक्तियां हर कदम पर आपके साथ खड़ी रहें और आपको सही रास्ता दिखाएं। इस महीने में लोग आपके लिए हर कदम पर कांटे बिछाएंगे, लेकिन फरिश्ते उनकी सभी साजिशों को नाकाम कर देंगे और आपको हर दर्द से बचाएंगे। बच्चों, इस महीने में आप बहुत प्रेरित महसूस करेंगे और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जिससे लाख कठिनाइयों के बाद भी आपका काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। तुम प्रकृति से बहुत जुड़े रहोगे मेरे बच्चे, और तुम्हें इस महीने एक या दो नहीं बल्कि कई अच्छी खबरें मिलेंगी। बस इस महीने में एक योजना बनाएं और अपने समय का सही और सोच समझकर उपयोग करें। समय पैसे से भी ज्यादा कीमती है, आपने अपने जीवन में कभी भी अच्छा समय नहीं बिताया है, ब्रह्मांड आपको अपने जीवन में अच्छा समय बिताने का अवसर देने जा रहा है। अगर आप कुछ करने जा रहे हैं तो एक योजना बनाएं और उस समय का सदुपयोग करें और अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही कोई काम करें, और अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखें, इस संदेश को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चों, बहुत अनुशासित रहो, इस महीने में आपको संतान की प्राप्ति होगी, तभी आप इस महीने में मिलने वाले अवसरों का उचित लाभ उठा पाएंगे और अपनी सफलता और उन्नति के लिए इसका सदुपयोग कर पाएंगे। आपके रिश्तों में भी काफी सुधार आएगा और नए रिश्ते भी स्थापित होंगे, लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। तुम अच्छे होगे, अपने ऊपर बहुत मेहनत करोगे और अंदर से बहुत खुश रहोगे। आप पिछले कुछ महीनों से बहुत आलसी और थका हुआ महसूस कर रहे थे, आपके मन में बहुत भारीपन था, इस महीने आप वही उत्साह महसूस करेंगे जो आपके मन के साथ साथ शरीर में भी चल रहा है। भ्रम दूर हो जाएगा और सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, आप समझ जाएंगे कि आपको कब और क्या कदम उठाना चाहिए। अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो संभव है कि कुछ गलतफहमियों के कारण आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती हैं। हो सकता है कि इस महीने में आप दोनों के बीच बातचीत बंद भी हो जाए, तो इससे आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, आपको बस एक दूसरे को समझने की जरूरत है। यदि आप अलग व्यवहार करेंगे तो राहु आपके मन को भटकाने का प्रयास करेगा,
वो आपके दिमाग के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। नौकरी करो, तुम ये परीक्षा कभी पास नहीं कर पाओगे, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का खेल होगा मेरे बच्चे। अगर तुमने कड़ी मेहनत की है और तुम्हें पता है कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो, अपने दिमाग की मत सुनो। लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे जिससे आपको क्रोध आएगा। यह महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है मेरे बच्चों। पूरा महीना आशीर्वाद से भरा है। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो हाँ लिखें और इस मैसेज को लाइक करें। मेरे बच्चों, इस महीने में जो कुछ भी तुमसे छीना गया है, उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हें इस साल मिलेगा। तुम्हें बस अपनी जीभ और अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। बाकी सब कुछ इस महीने में तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, इसी माह समाधान हो जाएगा और इस साल के अंत तक यह आपको जीवन भर खुशियां देगा। इस माह में शुक्र आपका ग्रह है, वो आपका भरपूर साथ देगा, जिसके कारण आप महंगी चीजें खरीदेंगे, आपको लाभ ही लाभ होगा। मंगल और सूर्य भी बहुत अच्छे रहेंगे, इसलिए आप निडर हो जाएंगे। इस महीने में आप ज्यादा दनके की चोट पर फैसले लेंगे, लेकिन आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाएगी, जो आपके साथ बहुत गंदी राजनीति खेलेंगे मेरे बच्चे। क्योंकि जहां इतनी सारी दुआएं होंगी, वहां कुछ न कुछ नकारात्मकता तो होगी ही। इसलिए जब आप सफलता की श्रृंखला फैलाएंगे, आपके पैर खींचने वाले कुछ लोग वहां खड़े न हों, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी शुभता को मजबूत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें और भूलकर भी क्रोध न करें, क्योंकि आपके मुख से निकला कोई भी शब्द आपके लिए काल बन सकता है। इसलिए सोच विचार कर लें, जहां जरूरत न हो वहां बोलें और चुप रहें। अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश करें और अकेले में रो भी लें। मुझसे शिकायत करें, लेकिन किसी के सामने कुछ भी न कहें। चाहे आप उसे कुछ भी कहें, आप छोटे नहीं हो जाएंगे। बस इस महीने में तुम्हारी चुप्पी तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी मेरे बच्चे। गुरु भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उनकी दूरदर्शिता के कारण तुम्हारे शत्रु बढ़ेंगे और तुम्हें सोच समझकर खर्च करने की जरूरत है। इस महीने उन चीजों पर अपना पैसा बर्बाद न करें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, ऐसा न करें। और अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो उसे सोच समझकर पैसे दें। अपना पैसा किसी को तभी दें जब उसे इसकी बहुत आवश्यकता हो। पैसों से जुड़ा फैसला किसी पर भी आंख मूंद कर न लें। यदि आप बिजनेस में हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो यह महीना आपके लिए सबसे अच्छा है। ब्रह्मांड आपको हर तरफ से खुशियां देने वाला है। बच्चों, अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है तो भाग्यशाली नंबर 888 लिखें और इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चों, आज का संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे पूरी तरह से देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक एक लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगा और जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा भी मिलेगी। ऊर्जा बहुत अधिक होगी और आपके मन में चल रही उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपके दिल में जो भी दुख आप समाज से छुपा रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ आप हमेशा चुप रहते थे, अब आपको ऐसे मौके मिलेंगे जब आप खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तुम बात कर पाओगे, अब तुम उन लोगों को जवाब दे पाओगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। अब तुम अपने दिल की बात सबके सामने खुलकर व्यक्त करोगे मेरे बच्चे। और चाहे तुम्हारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे कोई तुमसे बात करे या आपका समर्थन करता है या नहीं, आप भी अपने जीवन में और आने वाली खुशियों में खुश रहेंगे। अब आपसे कोई भी छीन नहीं सकता, न आपकी किस्मत, न ही ग्रह नक्षत्र। आपके अच्छे कर्मों का फल कोई आपसे छीन नहीं सकता। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो हाँ ये लिखकर मैसेज को लाइक करें और कमेंट में लकी नंबर 8888 लिखें। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी भक्ति पर सवाल उठाते थे कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया ये देखते हुए कि यदि वह वास्तव में सच्चा इंसान होता जितना वह दिखावा करता है, तो महादेव जी उसके साथ इतना बुरा नहीं होने देते।
एक समय तो आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा? मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ? ये मोड़ या रास्ते मुझे किशोर की ओर ले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर जगह मेरे दुश्मन ही दुश्मन हैं। महादेव जी, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, काश वह मेरा साथ दे पाते। संभव है गलती मेरी ही हो, उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियाँ दी मेरे बच्चे, कि अगर वो एक अच्छा इंसान है, उसके अच्छे कर्म हैं, तो एक दिन भगवान उसे उसके अच्छे कर्मों का फल देगा। वो हमेशा क्यों रोता है? उसकी आँखों में हमेशा आंसू रहते हैं। तुम यहाँ क्यों रहते हो? इन सब का उत्तर तो तुम ही दोगे, तुम्हारे महादेव जी, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों, तुम्हारी सत्यता और तुम्हारी भक्ति का फल मिलेगा। बस तुम अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप दो और अब अपने आप को महत्व दो। आपके जीवन में हर बार दूसरों के बारे में सोचना बंद करें, केवल अपने बारे में सोचें, अपनी भलाई के बारे में सोचें, तभी आप दूसरों का भला कर पाएंगे। लोग क्या कहते हैं उस पर रोना बंद करो। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उससे विचलित होना बंद करो। तुम्हें इन बातों की सजा भी मिल चुकी है आज तक, और आपके ये कर्म हैं जब आपने खुद की कद्र नहीं की, खुद की कद्र नहीं की, अपने सपने छोड़ दिए, दूसरों के लिए अपनी कोमल आंखों से आंसू बहाए, उसकी सजा भी आपको इस महीने में मिलेगी। इसलिए आप, तुम्हारा अतीत बहुत याद आएगा, तुमने बहुत कष्ट सहे, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन इन चीजों से परेशान मत होना मेरे बच्चे। ये भावनाएं कुछ समय के लिए आपको आपकी गलतियों का एहसास कराने के लिए आएंगी। ये नकारात्मक भावनाएं आप पर कभी हावी नहीं होंगी, बस तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिला दो। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी शक्तियों को पहचानें, उन शक्तियों को जिनसे आपके दुश्मन डरते हैं और इसीलिए वे आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। वे आपके बारे में बुरा नहीं बोलते क्योंकि आप बुरे इंसान हैं। वे चाहते हैं कि आप अपना असली स्वभाव भूल जाएं और यह मान लें कि आप एक बुरे इंसान हैं और टूट जाते हैं, इसलिए उनके बिछाए जाल में न फंसें। कोई आपका बुरा चाह सकता है, लेकिन आप एक पुण्यात्मा व्यक्ति हैं, जिसने न केवल इस जन्म में बल्कि कई जन्मों में मेरी पूजा करके और अपने उन सभी अच्छे कर्मों से बहुत पुण्य कमाया है। आपके महादेव जी परिणाम देंगे, यह निश्चिंत रहिए। आपके जीवन में स्थिरता आएगी मेरे बच्चे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अचानक आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग बुरा सोचते हैं आपके बारे में और आपका अपमान किसने किया, यह आपके चरित्र पर होगा। अपनी सच्चाई पर सवाल उठाओ मेरे बच्चों, उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है जिसके बाद वे तुमसे कभी सवाल नहीं करेंगे, वे तुमसे कभी तुम्हारी सच्चाई का सबूत नहीं मांगेंगे। मैं उन्हें अब ऐसा सबूत देने जा रहा हूँ, वे स्वयं को इस कटघरे में पाएंगे, आप खुद को खड़ा हुआ पाएंगे, और वो अब अपने व्यक्तित्व पर सवाल उठाएगा कि वो किस तरह के लोग हैं, क्या उन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, क्या उन्होंने आपको नीचे खींचने के बजाय कुछ अच्छा किया है, क्या उन्होंने किसी के कल्याण के बारे में सोचा है, तो आज उसके लिए भी चीजें अच्छी होती। वो हंसता है और दुनिया को दिखाता है कि वो खुश है, लेकिन उसके अंदर उसके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे छिपा नहीं है। उसकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, उसके परिवार में कितनी उथल पुथल है, ये सब मैं जानता हूँ। वो सच का सबूत मांगते थे, वो खुद को सही साबित करने को कहते थे, अब मैं उन्हें ऐसा सबूत दूंगा कि वो कभी किसी के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगे, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। कितना बढ़िया मौका मिला है तुम्हें, हो सकता है कि आपके पास पैसा न हो जिससे आप दूसरों का भला कर सके, लेकिन आपने दिल से हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचा है, आपने हमेशा दूसरों के दुख दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, आपने हमेशा मुझसे प्रार्थना की है, और यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके महादेव जी आपके हर दुश्मन को जवाब देने वाले हैं, इसलिए अभी और आज उन लोगों के बारे में सोचना बंद करें, ध्यान अवश्य करें और सात चक्र ध्यान करें। मेरे बच्चे, तुम जहाज पर बैठकर भी ध्यान करोगे, सबसे पहले उस स्थान का ध्यान करें, इसे नमक के पानी से साफ कर लें, इससे सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी
एक कपूर का दीपक जलाएं, इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं, इससे आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके बाद मेरे सामने एक घी का दीपक जलाएं। मेरे आदर्श अथवा कहीं भी बैठकर मेरा स्मरण और ध्यान करो। इस दिन 7 चक्र करना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचाने में बहुत मदद करेगा और आप मुझे और ब्रह्मांड को दिखाएंगे कि अब आप अपना ख्याल रखते हैं, इसलिए ध्यान करना जरूरी है। ऐसा करो मेरे बच्चे, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुमने अतीत में जो भी बुरे काम किए थे उनकी सूची समाप्त हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हो गया है। तुमने अपने सभी कर्मों का परिणाम भुगत लिया है। बुरे कर्म, मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम कई बार हताश हुए, निराश हुए, तुमने मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जो भी बुरे समय दिखाए तुमने वे सभी सफलतापूर्वक किए, लेकिन जो भी सबक मैं तुमसे सीखना चाहता था तुमने वे सभी सिखाए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। इस दौरान आपके अंदर कई बदलाव आए। तुम कई बार रोई, मेरे सामने रोई, अपना दुख जताया और अपने किए के लिए माफ़ी भी मांगी। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम हमारी प्रगति के द्वार खोलते हो। हम सभी कभी कभी अपने रास्ते से भटक जाते हैं, बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे के बीच अंतर को समझना होगा और अपना विकल्प चुनना होगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। आपका दृष्टिकोण जो भी हो, आपके रास्ते शुद्ध और सरल रूप में विभाजित होंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो रास्ता आपको सत्य की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका चुना हुआ रास्ता आपका भविष्य तय करता है। मेरे बच्चों, मैं बार बार तुम्हारे जीवन में आता हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। आप में से कुछ लोग मेरी बातों को समझ जाते हैं और अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता है वह मेरे दंड का पात्र बनता है और उसे मेरे उग्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह मेरे दंड का पात्र बन जाता है। उसके जीवन में कष्ट आते हैं और फिर शुरू होता है उसका सफर जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाता है। मेरा बच्चा, वो अब अमर है। जब कोई व्यक्ति रास्ते से हटकर सत्य का चयन नहीं करता और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो उसे मेरा आशीर्वाद मिलता है और आज आप इस कठिन यात्रा को पार कर चुके हैं और फिर से सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही हुआ, मैं तुम्हें उपहार के रूप में तुम्हारा अभीष्ट वरदान देता हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वो अगले 1 सप्ताह में अवश्य पूरी होगी। आप सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहें और अपने साथ जुड़े सभी लोगों का भला करते रहें। आपका कल्याण अवश्य होगा। महादेव जी कृपा करें। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखें। अपने आत्मदेव महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में मदद करेगा। जब यह आपके हाथ में आ जाए तो कृपया इसे नज़रअंदाज न करें। इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे जरूरतमंद लोगों के साथ उदारता पूर्वक साझा करें। उन लोगों को देने में दयालु बनें जिनके पास कम है। इसे महान बनाएं और उदार भावना से प्रस्तुत करें ताकि आप इस दुनिया में मेरे प्यार और आशीर्वाद के अवतार के रूप में चमक सकें। इसके लिए तैयार रहो, जल्द ही आप अपने परिणाम देखेंगे। कड़ी मेहनत आपके द्वारा बोए गए छोटे से बीज का फल है। आपकी दृढ़ता, यह वो समय होगा जब आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। सफलता और निरंतर उपलब्धियों का दौर शुरू होगा। आपकी चिंताएं दूर होंगी। आज मैं तुम्हें जो कुछ भी बताऊंगा उसके लिए मेरे वादे पर भरोसा करो। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी चिंताओं को छोड़ दें, लेकिन भविष्य के बारे में मत सोचो या भविष्य के विचारों में मत खोओ। राई के दाने जितना छोटा विश्वास भी पहाड़ को हिला सकता है और ऐसे विश्वास से आप जो चाहें वो हासिल किया जा सकता है। जो कुछ मैंने तुमसे कहा उस पर निश्चिंत रहो, वो सच हो जाएगा। आपका आशीर्वाद मौसम की पहली बारिश की तरह आप पर बरसने के लिए तैयार है।
बस विश्वास रखें कि यदि आप मुझ में अपनी भक्ति बनाए रखेंगे तो आप अपनी कड़ी मेहनत का परिणाम अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों के जीवन में देखेंगे। मेरे इस वीडियो को शेयर करके और महादेव जी के संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही मेरा लकी नंबर 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति देकर आपको कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा जो आपको हर दिन खुशी और संतुष्टि से भर देगा। जैसे भी आए वैसे जियो और हार मत मानो क्योंकि आपका महत्वपूर्ण आशीर्वाद निकट है। इसे विश्वास के साथ स्वीकार करो। मजबूत और बहादुर रहो मेरे प्रिय। याद रखो कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। खुला और ग्रहण करो। दिल से भरोसा रखो कि सब कुछ समय पर है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। प्यार और शांति। निश्चिंत रहें कि मैं आपका मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए हमेशा आपके साथ रहूँगा। मैं आपकी देख भाल करूँगा। मैं हमेशा आपके समर्थन का स्तंभ रहूँगा। बस पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करो और अपनी सारी चिंताएं मेरे हाथों में सौंप दो। दो कमी और कमी आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि मैं आपके सपनों और इच्छाओं को पूरा करूंगा। मैं आपके वित्त को बढ़ाऊंगा और आपके पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करूंगा। कृपया आज जो मैं आपको बताता हूं उस पर विश्वास करें क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो खुशी के खोखले वादे करते हैं। मैं आपका पिता हूं जिसने तुम्हें शुरू से ही प्यार किया है। मैं चाहता हूं कि आप अपना दिल मेरे प्यार के लिए खोलें और उस अनुग्रह और उपकार का स्वागत करें जो मैंने आपकी यात्रा में आपको दिया है। अब ऐसा करने का समय आ गया है। अपने पूरे दिल और आत्मा से विश्वास करें। उन भावनाओं को जाने दें जो दर्द का कारण बनती हैं और आपको विचलित करती हैं। उन चिंताओं से चिपके रहना बंद करें जो आपके जीवन में बाधा डालती हैं और आंतरिक उथल पुथल का कारण बनती हैं। आपने बहुत कुछ दिया है जिसका बदला केवल चोट से ही चुकाया जा सकता है। फिर भी मुझ में आपकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालांकि अंदर से यह समझना मुश्किल लग सकता है कि तुम मेरे अनमोल खून से खरीदा गया खजाना हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे महसूस करो। जान लो कि मेरी इच्छा तुम्हें नियति तक ले जाने की है। मैंने आपके लिए एहसान और आशीर्वाद से भरी एक यात्रा की योजना बनाई है जहाँ सब कुछ अच्छा होगा। अपनी प्रार्थनाओं पर मेरी प्रतिक्रिया का आत्मविश्वास पूर्वक अनुमान लगाएं। मेरे स्वर्गीय राज्य के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। आत्मविश्वास और विश्वास के साथ स्वतंत्र रूप से मेरे पास आओ क्योंकि जब शत्रु तुम्हारे विश्वास और आश्वासन को छीनने की कोशिश करता है तो मैं उन लोगों को निराश नहीं करता जो मुझ पर भरोसा करते हैं। दृढ़ रहो। उसके धोखेबाज शब्दों या उसके झूठे शब्दों को मत सुनो। आरोपों पर ध्यान मत दो। डरो या हतोत्साहित हो इसके बजाय मजबूत और साहसी बनो क्योंकि मैं तुम्हें प्रचुरता और दया से भर दूंगा। जान लो कि मेरी कृपा और शक्ति हमेशा तुम्हारे पक्ष में है। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, इसलिए इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, अन्यथा आपको भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनो। अगर आप भी महादेव जी की महिमा में विश्वास रखते हैं तो अभी इस मैसेज को लाइक करें।